तो कैसे हो आप? आज का टॉपिक है किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। ये कॉन्सेप्ट जो है दिस वाज गिवन बाय पीटर मिचेल इन द ईयर 1961, जिसके लिए इसको मिला था नोबेल प्राइज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एटीपी सिंथेसिस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विद इन द सेल इज ए मेम्ब्रेन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन होना चाहिए। इस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फाइनली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया में द इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर NADH एंड FADH2, एंड इन क्लोरोप्लास्ट द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है और क्लोरोप्लास्ट में NADP पॉजिटिव होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक साइड इंक्रीज हो जाती है और दूसरे साइड प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन लो होती है। सो दिस डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, विच इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल्स। नाउ द लास्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और हर केमिकल स्पीशीज में ये टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। प्रोटॉन्स भी यहां पर जाना चाहते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, बट दे कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन बिकॉज द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। मेम्ब्रेन किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। सो नाउ दिस प्रोटॉन्स हैव ओनली वन वे टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज थ्रू ATPase और ATP synthase, which is a protein complex. Now, when these protons pass through this ATPase or ATP synthase, there is formation of ATP molecules. And when four protons pass through this ATP synthase, one ATP molecule is formed. यहाँ पर आप membrane देख सकते हैं। इस membrane के अंदर we have ATP synthase. This ATP synthase has two components. पहला component है F0, which is embedded within the membrane, और दूसरा इसका component होता है F1 component, जो कि मेम्ब्रेन के बाहर होता है। जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं थ्रू द एटीपी सिंथेस, द हेड और द F1 कंपोनेंट ऑफ द एटीपी सिंथेस इट रोटेट्स, इट बाइंड्स एटीपी एंड फॉस्फेट एंड कंबाइन्स देम टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स। दिस इज हाउ एटीपी सिंथेस वर्क्स। सो दिस इज किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और यही मैकेनिज्म आपको याद रखना चाहिए टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।